उफेल की फैमिली खतरू टीम का अनडिफीटेड स्ट्रीक एक बार फिर से खतरे में आ चुका है। तो जो लोग नहीं जानते, खतरू टीम यानी कि रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की टीम, जो मुझे लगता है कि 30 के ऊपर मैचेस हो गए और अभी तक अनडिफीटेड है, और बहुत सारी टीम्स आई इनको हराने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं आई है जो इनको हरा पाई है। तो आज खतरू टीम का मैच होने वाला है तीन तीन डीमंस के साथ, यानी कि केन, अंडरटेकर और डीमन किंग फिन बैलर के साथ। तो क्या ये तीन डब्ल्यूडब्ल्यूई के डार्क कैरेक्टर मिलकर खतरू टीम को हरा पाएंगे या नहीं, आज की इस गेम प्ले में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो चलो इस गेम प्ले को किया जाए स्टार्ट, और फेल गेम फैमिली फटाक से वीडियो को लाइक कर लो भाई, और ऑलमोस्ट हम लोग 350 के पर पहुंच गए हैं। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि 350 के बाद होने वाला है Q&A। जॉन सीना और केन ने मैच को स्टार्ट किया। पुराना अरीना काफी अच्छा लग रहा है, ऐसे में पुराना अरीना जल्दी यूज नहीं करता हूं, लेकिन ये बढ़िया लग रहा है। ऐसे आप लोग गेस करो, क्या लगता है आज खतरू टीम फिर से जीतने वाली है, या आज फाइनली वो दिन आ गया है जब खतरू टीम हारेगी। तीन तीन फिनिशर था, ब्रॉक से रहा नहीं जाता है, ब्रॉक ने कमुरा लॉक लगा दिया है केन, लेकिन एक कमुरा लॉक से तो टैप आउट नहीं करते। डीमन किंग बचाने आया था, रोमन ने भाई बाहर फेंक दिया, पिनफॉल नहीं होने वाला है। ओ ऐसा लगा भाई तीन हो जाएगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक फिनिशर में ऑब्वियसली, इतने भी वीक नहीं है केन, पर ब्रॉक के पास अभी भी दो फिनिशर है। केन थोड़ा संभल कर, अगर आज भूताहा टीम को जीतना है तो तीनों का अच्छा खेलना होगा, एक ही अच्छा खेलने से कम ही चांस है कि जीत सकते हो आप। ये टैग टीम एलिमिनेशन मैच है। ओ डीमन किंग बेचारा बाहर मार खा रहा है और ऊपर केन मार खा रहे हैं। दो दिन से ना खतरू टीम डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि आज उसकी कसर खतरू टीम पूरी कर रही है भाई, फुल ऑन डोमिनेटिंग, वो भी स्टार्टिंग ही से। ब्रॉक लेसनर बेचारे टैग देने गए थे, दोनों का ध्यान पता नहीं कहां है। रोमन और सीना कहां ध्यान रखते हो, डीमन किंग के ऊपर ध्यान था। अच्छा अच्छा, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने ऐसे केन को संभाल लिया है। केन के पास भी तीन तीन फिनिशर है। थोड़ा ओके, ब्रॉक ने रिवर्स कर दिया, कुछ करने ही नहीं दे रहे ब्रॉक लेसनर। केन को कुछ करने दे तब तो केन अपना फिनिशर लगाए। ये देखो एक और सुप्लेक्स, केन सर जा रहे हैं सुप्लेक्स सिटी, बॉडी येलो हेड येलो, अभी मैच स्टार्ट ही हुआ था। ब्रॉक आज फुल मूड में है। सीना आ रहे हैं, सीना के पास भी तीन तीन फिनिशर है। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट एलिमिनेशन केन का हो सकता है अगर सीना ने ये लगा दिया तो। फर्स्ट एलिमिनेशन क्या लग रहा है, किसकी टीम में से होगा? मुझे लग रहा है भाई जिस हिसाब से खतरू टीम खेल रहे हैं, भूताहा टीम में से एक फर्स्ट एलिमिनेशन हो सकता है, वो भी आई थिंक केनी का। ब्रॉक ने भी इतने इतने सुप्लेक्स दिए, लेकिन ब्रॉक का एक बार भी रिवर्स नहीं हुआ था, सीना का जरूर रिवर्स हो गया। केन सर को अभी टैग देना चाहिए था, हेल्थ कम थी, टैग देकर ना केन अपनी हेल्थ रिकवर कर सकते थे, लेकिन टैग नहीं दिया, आई थिंक गलती की है, टैग दे देना चाहिए था। बॉडी ऑरेंज सर येलो, कभी भी एलिमिनेशन हो सकता है केन का। एक फिनिशर केन सर का टाटा, ए लगाओ सीना, फर्स्ट एलिमिनेशन होते होते बच गया, उल्टा जॉन सीना को चौक स्लैप पड़ गया भाई, ये क्या है? सीना का ए चेंज करो प्लीज, आई होप 2K23 में ये ए नहीं रहे बल्कि कुछ अच्छा ए रहे, ऐसा ए रहे जिसमें सेकंड रिवर्सल नहीं आए। एक और चौक स्लैम के लिए उठा रहे, लेकिन सीना ने इस बार ए लगा दिया, इस बार भी रिवर्स, मां कसम ए को चेंज करो सीना प्लीज। सीना के दो दो ए छिना चुके हैं, वाह, सबने अपना अपना फिनिशर सही से लगाया, ब्रॉक ने भी फिनिशर सही से लगाया, केन सर ने भी लगाया लेकिन सही से था, और एक और चौक स्लैम आई थिंक केन लगा देंगे। सीना बाहर ले जा रहे हैं, सीना बाहर जाना ठीक है ठीक है, अच्छा ही है, रिकवर कर सकते हैं। अभी सब बाहर आ गए भाई, टोटल केओस, सारे छह के छह प्लेयर्स बाहर हैं, लेकिन लीगल आदमी सीना और केन है, दोनों को पास से पहले अंदर जाना है। सीना अंडरटेकर को ये लगा दिया सीना ने, केन को लगाना चाहिए था लेकिन ठीक है, अंडरटेकर को भी वीक कर दिया, और डीमन किंग भी पिटा रहा है। अरे अंदर जाओ, दोनों अंदर जाओ, क्या कर रहे हो ब्रॉक लेसनर, अरे फोर हो गया, सीधा अंदर जाओ, दोनों दोनों गए, दोनों का टाटा हो गया, कसम से भाई दोनों घर जा रहे हैं। केन और सीना दोनों एलिमिनेट हो गए डबल काउंट आउट से। इस बार लीगल आदमी कौन है? आई थिंक ब्रॉक और अंडरटेकर है। अरे तुम दोनों भी अंदर जाओ, वरना आज खतरनाक होने वाला है, पहली बार ऐसा होगा, डबल काउंट आउट होगा, वो भी डबल बार, भाई ये कुछ ज्यादा ही डबल हो जाएगा, इसलिए अंदर जाओ ब्रॉक लेसनर अंदर। अरे हाँ ठीक है चलो, ये भी सही है, वन से गिनती स्टार्ट होगी आराम से, ब्रॉक लेसनर तो अंदर। अरे ब्रॉक क्या कर रहे हो, सही से, हाँ ठीक है अंदर रहो, अंडरटेकर सर आ ही जाएंगे, ब्रॉक अंदर रहने का, चिल मारने का, अंडरटेकर आ रहे हैं। एक डबल काउंट आउट हो चुका है, दूसरा नहीं चाहिए अपने को, तीन ही प्लेयर्स है टोटल, कभी भी फिनिशर के मूड में आ सकते हैं। ब्रॉक लेसनर उठा कर ले जा रहे हैं अंडरटेकर को, ओ फिर रिंग के बाहर, आज इतना क्यों जा रहे हैं ये लोग रिंग के बाहर? ब्रॉक लेसनर बाहर मत जाना, बाहर मत जाना ब्रॉक, अंडरटेकर आज, अरे ये लोग पक्का डबल काउंट आउट के मूड में है। ब्रॉक अंदर लेकर जाओ अंडरटेकर को, जो भी करना है अंडरटेकर को अंदर ले जाके करना, लेकिन अंदर जाओ पहले। हाँ ठीक है, ब्रॉक समझदार है भाई,
काउंटआउट से एलिमिनेशन नहीं करते हैं। अंडरटेकर टैग देने वाले डीमन किंग फिन बैलर को टैग मिल गया है। ब्रॉक के पास तीन फिनिशर प्लस सिग्नेचर और रोमन को तो अभी तक टैग भी नहीं मिला है। भाई खतरो टीम आराम से जीत रही है फिलहाल, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि आराम से जीत जाएगी, ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा रोमन को। और रोमन को टैग देने जा रहे थे ब्रॉक लेसनर लेकिन दिया नहीं, उठा उठा के फेंका जा रहा है डीमन किंग को। मुझे लगा था डीमंस भी डोमिनेट करेंगे लेकिन फिलहाल तो पिट रहे हैं। फिन बैलर की तो बॉडी भी ऑरेंज हो गई है, एक फिनिशर लगाया रोमन ने, खेल खत्म हो सकता है और आई थिंक गिलिटीन के लिए जाएंगे। अरे पता ही था, वो अलग बात है कि रिवर्स कर दिया है लेकिन गिलिटीन ही के लिए गए रोमन। अच्छा मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ, रोमन का भी फिनिशर आजकल बहुत रिवर्स हो रहा है, कूटे ग्रास के लिए जा रहे रोमन, सुपरमैन पंच मार सकते थे रोमन लेकिन मारा नहीं, हवा में आजकल मारते हैं रोमन सुपरमैन पंच। ये तो किक आउट कर ही देना था लेकिन रोमन नेक्स्ट फिनिशर से बचकर, अभी कुछ टाइम पहले आपको याद ही है ना अंडरटेकर किंग ऑफ 2K22 बन गए थे, अंडरटेकर के पास मौका है बदला लेने का, तीन तीन टूम स्टोन अंडरटेकर लगाएंगे। अरे इतना वेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अंडरटेकर, रोमन ने फुल पीटा भाई, रोमन टैग दे सकते थे, बॉडी येल्लो थी रोमन की, थोड़ा जाके आराम कर सकते थे, जम के मारा भाई घुसे और लाते रोमन ने। और अब ब्रॉक लेसनर को टैग मिल रहा है, बची कुची कसर लगता है लेसनर पूरी करने वाले हैं। टेकर से तैयार हो जाओ, 20 सारे ओ टूमस्टोन, अंडरटेकर ने सही टाइम पे आइडिया लगाया, टूमस्टोन के लिए ग्रैपल कर लिया था। पर ब्रॉक एक फिनिशर में कहां जाएंगे, कम से कम तीन फिनिशर लगेगा, एक फिनिशर से कुछ नहीं होने वाला ब्रॉक को। एक हेल्स गेट लगाओ फिर एक और टूमस्टोन लगाओ तब जाकर शायद एलिमिनेट हो सकते हैं। अंडरटेकर रोमन को टूमस्टोन लगा रहे, रोमन को भी टूमस्टोन लगा दिया टेकर सर ने, टेकर आ चुके जोश में भाई, रोमन को भी घुमा फिरा के टूमस्टोन लगा दिया है। ब्रॉक को एक और टूमस्टोन दे सकते थे, शायद एलिमिनेट हो जाते लेसनर, लेकिन अब लेसनर चांस नहीं देंगे। ब्रॉक अंडरटेकर को भी ले जा रहे सुप्लेक्स सिटी, डीमन किंग रिंग के अंदर ध्यान दो क्योंकि टीम हार रही है, अंडरटेकर एलिमिनेट हुए ना फिर समझ लो बचने का कोई चांस नहीं है डीमन, ब्रॉक और रोमन फिर छोड़ेंगे नहीं। डीमन का ध्यान पता नहीं क्यों रोमन के ऊपर है, एक और सुप्लेक्स, कितना मारेंगे भाई ब्रॉक लेसनर, लो फिनिशर पड़ा अंडरटेकर एलिमिनेट, एक और एलिमिनेशन बचा लिया अंडरटेकर ने। ओ भाई साहब अगर ये कमूरा लगता ना अंडरटेकर एलिमिनेट थे, ब्रॉक की पीठ ही नोचने का क्या जरूरत था टेकर सर, डबल टीम अप करने की कोशिश लेकिन बहुत लेट, इतना ड्रैग करोगे तो ब्रॉक रिवर्स कर ही देंगे। और ब्रॉक के पास मौका है फिनिशर लगाने का, ब्रॉक मौका छोड़ते नहीं है, टेकर एलिमिनेट, आखिरी आदमी डीमन किंग फिन बैलर, भाई अब तू क्या करता, अकेला बच गया है, ब्रॉक तो गिर भी नहीं रहे डीमन किंग से, कैसे संभालेगा ये, चलो टाटा हो ही गया भाई डीमन्स का। अब ये अगर कोई मिरेकल दिखा दे, अकेले रोमन और ब्रॉक को एलिमिनेट कर दे तब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे होने के चांसेस मुझे ना के बराबर लग रहे हैं। ओ रिवर्स कर दिया, डीमन किंग क्या कर पाएगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल, ब्रॉक और रोमन का अकेले एलिमिनेशन वो भी इतना मार खाने के बाद, एक फिनिश, ओ सबमिशन लगा दिया ब्रॉक के पैर में, मतलब पैर तो बिल्कुल डैमेज नहीं था, सबमिशन लगाना था तो हेड पे लगा सकता था। रोमन को टैग मिल गया, अब खत्म भाई, दो दो फिनिशर है रोमन के पास, एक स्पियर, खेल खत्म। रोमन वेट कर रहे हैं भाई, फिनिशर देने से पहले इतना वेट क्यों कर रहे हैं रोमन, इस चक्कर में कहीं रोमन एलिमिनेट नहीं हो जाए, पूरी कोशिश कर रहा है डीमन कि रोमन को टक्कर दे, हेड येल्लो है रोमन का, बॉडी येल्लो है, शायद एक फिनिशर में एलिमिनेट हो सकते हैं शायद, लेकिन कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। चलो अब डीमन का हो गया काम, एक गिलिटीन या सुपरमैन पंच, खेल खत्म, गिलिटीन इस बार लग गया, डीमन किंग एलिमिनेट नहीं हुआ भाई साहब, कोई बात नहीं, टैप आउट भले ही ना करे लेकिन इसका पिनफॉल हो सकता है, टैप आउट भी नहीं किया, बचा लिया भाई, उठ गया यार, ये पिनफॉल होने का मौका ही नहीं दिया। डीमन के पास अभी भी फिनिशर है पर गलत मूव रोमन के सामने, रिवर्स कर दिया, ओके रिवर्स किए जा रहा है बहुत ज्यादा, ये डीमन किंग इसी तरह जाते रहेगा तो फिर कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा खेलना होगा, ये तो सबमिशन क्यों दे रहा है डीमन, रोमन को सही जगह सबमिशन लगाया है, हेड ऑरेंज कर दिया रोमन का और हाथ भी वीक कर रहा है। तीसरा फिनिशर आने वाला है डीमन किंग के पास, क्या जलवा दिखाएगा डीमन, फिनिशर के लिए जाना चाहिए था, एल्बो ड्रॉप से ज्यादा अच्छा होता, और गिलिटीन बचाया भाई, एलिमिनेट होते होते बचाया डीमन किंग, डीडीटी, रोमन टैग दे सकते थे लेकिन ये जा रहा है फिनिशर के लिए, रोमन टैग देने के लिए भागना चाहिए था, कूटे ग्रास, रोमन एलिमिनेट हो गए भाई साहब, वन ऑन वन, खतरों टीम खतरे में आ चुकी है, अब ब्रॉक के ऊपर है पूरा मैच, अगर ब्रॉक ने एक गलती की
आज डीमन किंग जलवा दिखा देगा। एक बार फिर से टक्कर का मैच हो चुका है, पर ब्रॉक लेसनर ने F5 के लिए उठा लिया भाई, खत्म। हारता हुआ मैच ब्रॉक ने जीत में बदल लिया। लास्ट में या तो ब्रॉक काम आते हैं या रोमन या फिर सीना, इसीलिए भाई ये खतरों टीम है, अनडिफीटेड। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई और टीम है जो खतरों टीम को हरा सकती है तो नीचे कमेंट करके बताओ, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना मेरे भाई। और अगर आपने कल की वीडियो मिस कर दी है तो वो स्क्रीन पे बन रही होगी, उस पर क्लिक करो, उसको भी जाकर देख लो। और मैं मिलता हूँ आप लोग से कल, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।